बिसमिल्ल रहीम आसिफा कोसर्स किचन में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आज मैं लेकर आई हूँ चार्ट पकौड़े समोसा के लिए इंस्टेंट खट्टी मीठी चटनी इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत जल्दी बन जाती है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा तो फिर चलिए देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं मैं ले रही हूँ थ्री फोर्थ कप आमचूर पाउडर या फिर ड्राई मैंगो पाउडर अब मैं इसमें डालूँगी हाफ़ टी स्पून काला नमक और हाफ टी स्पून नॉर्मल नमक नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं इसके बाद मैं इसमें डालूंगी वन टीस्पून जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ का पाउडर उसके बाद इसमें जाएगा वन टीस्पून भुना हुआ और पीसा हुआ ज़ीरा पाउडर वन एंड हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर मिर्च भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं वन फोर टीस्पून मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाल रही हूँ इसको अब हम थोड़ा सा मिक्स कर ले वन एंड हाफ़ कप पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे इसको अब मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ इसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें एक चुटकी लाल कलर डाल रही हूँ फूड कलर इसको भी हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इस मिक्सचर को एक पैन में ट्रांसफ़र कर लेंगे उसके बाद मैं इसमें वन कप चीनी ऐड करूँगी चीनी मैंने यहाँ पर ब्राउन शुगर लिया है आप नॉर्मल शुगर या फिर इसमें गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं चीनी डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिलाते रहेंगे ताकि चीनी इसमें अच्छे से घुल जाए अब हम इसको धीमी आंच पर दो से तीन मिनट तक पका लेंगे या फिर इसमें एक बॉईल आने तक हमें इसको पकाना है इसको कंटिन्यूसली चलाकर हमें इसको पकाना है देखिए ये पकने के बाद इसकी थिकनेस थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है अब ये परफेक्टली कुक हो गई है आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं और इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं कितना स्मूथ टेक्सचर आया है इस चटनी को बनाकर आप दो से तीन महीने तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं आप इस चटनी का इस्तेमाल चाट्स में पकौड़ी या फिर समोसे के साथ भी सर्व कर सकते हैं अब मैं इसमें थोड़े से तरबूज के बीज डाल रही हूँ अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं वरना आप इसको स्किप करिए उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी आप भी इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा मुझे भी अपनी दुआओं में शामिल करिएगा मैं बहुत जल्द एक नई और आसान रेसिपी के साथ आपके साथ फिर से हाजिर होती हूँ तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल